ఆత్మదర్శన్ స్వయం కదర్శన్ ఆత్మదర్శన్ స్వయం కదర్శన్ ఆత్మ జ్యోతి జగాలే బుజీ హుయి జగాకర్ జ్యోతి స్వరాజ ఫిర్ పాలే ఆత్మదర్శన్ స్వయం కదర్శన్ शांति ओम शांति। आज की तारीख है 17/2/13। आज फिर रविवार है, तो हम अपने प्राण प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त मूर्त धारी सुख्यम वतन निवासी प्राण अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली सुनेंगे। तो अव्यक्त मुरली की तारीख है 16/2/96 की ये मुरली है, और आज की इस ज्ञान मुरली का शीर्षक है अब विशेष अटेंशन देकर समय और संकल्प के खजाने को जमा करो। बाबा ने इशारा दे दिया कि हमें क्या पुरुषार्थ करना है, समय और संकल्प के खजाने को अभी अपनी बैंक में जमा करना है। मीठे बाबा कहते हैं आज त्रिमूर्ति रचता शिव बाप बच्चों को तीन बधाइयां दे रहे हैं। फादर शिवा, हाँ, ये खुशी की बात, हम सभी खुशी से ध्यान से सुने और स्मरण में रखें। मूर्ति, एक तो बच्चे बाप को बधाई देने आए हैं, तो बाप रिटर्न में तीन बधाइयां दे रहे हैं। शिवरात्रि के त्योहार पर ये मुरली चली है, तो कौन से तीन बधाइयां बाबा दे रहे हैं? तो मीठे मीठे शिव बाबा कहते हैं कि एक शिव जयंती की बधाई, दूसरी डायमंड जुबली की बधाई, और तीसरी वर्तमान समय उमंग और उत्साह से सेवा करने की बधाई। तो तीन बधाइयां चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दे रहे हैं। बाप के पास सबके दिलों के उमंग उत्साह और उमंग उत्साह के सेवा के समाचार पहुंचते रहते हैं। ये अलौकिक जयंती सारे कल्प में नहीं होती, कौन सी? शिवरात्रि या शिव जयंती, क्योंकि सारे कल्प में चाहे देवात्मा हो, चाहे महात्मा हो, चाहे साधारण आत्माएं हो, लेकिन आत्माएं आत्मा की जयंती मनाती है, और इस संगम पर आप श्रेष्ठ आत्माएं किसकी जयंती मनाने आए हो? स्वयं परम आत्मा की और परम आत्मा बाप बच्चों की जयंती मनाते हैं। हाँ, सारे कल्प में हम बच्चे बाप की जयंती मनाते हैं, और बाबा हम बच्चों की जयंती मनाते हैं। सतयुग और त्रेता में भी परमात्मा आपकी जयंती नहीं मनाएंगे। चलो हम जयंती मनावे भी, परंतु बाबा भी हमारी जयंती मनावे साथ में, ये तो सारे कल्प में कभी नहीं होता। तो बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता में भी परमात्मा आपकी जयंती नहीं मनाएंगे, वह आप परमात्मा पिता की जयंती नहीं मनाएंगे। तो कितने अब बाबा देखो हम बच्चों को रूहानी नशा चढ़ा रहे हैं कि कितने पदम 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 गुण, तीन बार स्वयं भगवान कह रहे हैं पदम 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 गुणा भाग्यवान आत्मा हो। ऐसे कभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को
स्वप्न में भी dreams, सोचा होगा बाबा इस आस्किंग हाँ सोचा we children नहीं सोचा ना लेकिन आज साकार रूप में मना रहे हैं तो खुशी है ना बाबा says, हाँ क्यों नहीं खुशी होगी कि हम किसके साथ ये जयंती मना रहे हैं देखो चाहे देश वाले चाहे विदेश वाले चाहे मधुबन वाले जो भी इस ग्रुप में बैठे हैं Whether सब you are from है. This land or from बाबा abroad, कहते जो सन्मुख आकर आज जयंती मनाने बैठे हैं बाबा कहते कितना लक्की है from, अंदर क्या गीत गाते हो हाँ नेचुरली हम बच्चे क्या बाबा गीत गाएंगे वाह मेरा भाग्य वाह और बाप भी गीत गाते हैं today, तो बाबा सामने क्या गीत गाते वाह बच्चों का भाग्य वाह विशेष सेवा का ग्रुप बैठा है ना सब तरफ के विशेष है ना तो विशेष सेवा का विशेष प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाली आत्माएं हो विशेष सेवा करते हो तो फल भी विशेष प्राप्त होता है तो बाप भी ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित होते हैं बच्चे ज्यादा हर्षित होते हैं या बाप ज्यादा हर्षित होते हैं क्या जवाब देंगे दोनों बाबा कहते हैं बच्चे भी और बाप भी या बाप ज्यादा होता है या आप ज्यादा होते हो दोनों ज्यादा दोनों होते हैं या फिर आप या बाप ज्यादा होते हैं अच्छा आज बाप दादा चारों ओर के सेवाधारी डायमंड की माला देख today, रहे बाप हैं दादा आप सभी माला में हो ना ऑफ द सर्विसेबल हाँ बाबा सारी सभा में बच्चों से पूछ रहे हैं ऑल ऑफ यू बाप के गले में डायमंड बन चमकने वाले माला के दाने हो या और कोई दाने हैं आप भी माला के दाने हो ना बाबा कहते हैं क्या सोचते हो कोई और है This. आप ही हो आर यू दिस और नहीं anyone else? लोग कहते हैं कि 108 दाने की माला लेकिन बाप दादा के गले में आप सभी डायमंड्स की कितनी लंबी माला है हाँ कितनी बड़ी माला है 108 तो आप नीचे बैठे हुए हो जाएंगे would be पीछे वाले भी हो ना ऑल ऑफ यू सिर्फ आगे वाले हैं ऐसा तो नहीं है पीछे All वाले भी तो हैं पहले पीछे वाले अब बाबा कहते हैं माला के अंदर पहले पीछे वाले आएंगे देखो ये भी त्याग का प्रत्यक्ष फल है कि बाप दादा पीछे वालों को ज्यादा मुबारक देते हैं आगे बैठने का त्याग करके पीछे बैठते हैं तो बाबा कहते हैं ये भी प्रत्यक्ष फल है Look, जो स्वयं भगवान उनको मुबारक देते हैं और उससे ज्यादा फिर नीचे वालों को क्यों क्योंकि वो 108 दाने में आने वाले बच्चे बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देखते हैं चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं पुरुषार्थी है लेकिन ऐसा एक भी बाप का बच्चा नहीं है जिसमें कोई विशेषता न हो सब में विशेषता है अब बाबा देखो हमें अपनी विशेषताओं को समझाते हैं ताकि हम अपनी विशेषताओं को देख पाए और उस खुशी में रहे तो बाबा कहते हैं सबसे पहली विशेषता तो फोटो में कोई की लिस्ट में तो है ना सिंगल चाइल्ड उस लिस्ट में हम आ गए और फिर विशेषता ये है कि बड़े बड़े तपस्वी महान आत्माएं 16108 सतगुरु चाहे शास्त्रवादी हैं चाहे महामंडलेश्वर हैं लेकिन आपको नहीं जाना और बाप के सभी बच्चों ने बाप को जान लिया ना ये दूसरी बात हमारी बाबा बता रहे हैं उन विद्वानों ने पंडितों ने गुरुओं ने नहीं जाना शास्त्रवादियों ने नहीं जाना किसको बाप को और आप बच्चों ने जान लिया ना तो बाप को जानना ये कितनी बड़ी विशेषता है तो पहली विशेषता क्या बताई बाबा ने
कि कोटो में कोई की लिस्ट में, दूसरा बाप को जाना, फिर दिल से मेरा बाबा तो कहते हैं ना, मेरा कहकर अधिकारी तो बन गए, तो इसको क्या कहेंगे कि बाप को परख लिया, पहचान लिया, तो पहचानना ये भी तो बुद्धि की विशेषता है, तो ये भी तुम बच्चों की विशेषता हुई कि बुद्धि से बाप को जान लिया, परख लिया, परखने की शक्ति है, तो आप सभी के परखने की शक्ति श्रेष्ठ है। बाबा महिमा करते हमारी बुद्धि की परखने की शक्ति की। अच्छा आज विशेष मनाने आए हो ना, आज मनाने का दिन है या आज भी सुनने का दिन है? सुनना भी है, बाबा कहते सिर्फ मनाएंगे या फिर कुछ सुनेंगे भी। अच्छा Today, all of you तो शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन आपके लिए अभी क्या है? आपके लिए रात्रि नहीं है, तो क्या है? और रात्रि दुनिया वालों के लिए, लेकिन हमारे लिए क्या है? अमृत वेला है, बाबा पूछते अमृत वेला है। बाबा से आप तो रात्रि से निकल गए या थोड़ी थोड़ी रात्रि अभी भी है? रात्रि छुट्टी ले गई, किसी भी प्रकार का अंधकार आता है कि खत्म हो गया, माना रात्रि है या खत्म हो गई? अमृत वेला सदा वरदान का समय है। अमृत वेले का जो समय है वो क्या है? वरदानों को प्राप्त कर झोली भरने का समय है। तो आपको रोज वरदान मिलता है ना? तो आप कहेंगे बाप आता रात्रि में है, शिव बाबा आते तो रात में है, लेकिन हमारे लिए अमृत वेला गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग हो गई। बाबा आया रात्रि में, पर हमारे लिए क्या हो गया? गुड मॉर्निंग और गुड डायमंड मॉर्निंग हो गई। तो ऐसे वरदानी स्वरूप अपना देखते हो, माया वरदान भुला तो नहीं देती? हाँ, बाबा को बराबर माया भी साथ में याद आती है। माया बाबा पूछ रहे आती है माया? बाबा से कभी कभी तो आती है, बाबा पूछते कभी कभी तो आती होगी। तो ऐसे वरदानी स्वरूप अपना देखते हो, हाँ बच्चों ने इशारा किया होगा कि नहीं आती है, तो बाबा कहते हैं ऐसा अपना वरदानी स्वरूप देखते हो, माया वरदान भूला तो नहीं देती, आती है माया? बाबा कहते हैं माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, ऐसे वो नहीं जाएगी, ऐसे आपसे छुट्टी लेके चली जावे, नहीं, वो लास्ट दम तक आपके पास आएगी। लेकिन माया का काम क्या है? माया का काम है आना, और आपका काम क्या है? दूर से ही भगाना, ऐसे नहीं समीप आवे, युद्ध करो उससे फिर उसको भगाओ, नहीं, बाबा कहते आपका काम है दूर से भगाना, आ जावे फिर भगाओ, नहीं, ये टाइम अभी समाप्त हुआ, माया आवे आपको हिलावे फिर आप भगाए, टाइम तो हो गया, टाइम तो हो ही गया है, आप इतना समय तो दिया उसके पीछे, लेकिन साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान सकते हो कि ये माया है। अब कई कहेंगे कि माया को हम कैसे भगावे, पता भी तो चले माया आई, तो बाबा कहते हैं साइलेंस की जितनी पावर आप इकट्ठी करोगे, साइलेंस में जितना रहोगे, तो साइलेंस की शक्ति आपको ये पहचान दे देगी कि दूर से ही आप माया को जान जाएंगे, परख लेंगे। तो साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान सकते हो कि ये माया है, इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करो, और माया भी देखती है ना कि चलो आने तो देते हैं ना मुझे, हाँ टाइम वेस्ट किया माना उसको हमने आने दिया, तो माया भी देखती है चलो मुझे आने तो देते हैं, तो उसकी आदत पड़ जाती है,
कौन सी आदत पड़ती है, चलो मुझे आने देते हैं ना, तो चलो जाते हैं, तो फिर उसको भी आदत पड़ती है हमारे पास आने की। जैसे कोई पशु को देखो, बाबा ने इतना फर्स्ट क्लास मिसाल दे करके समझाया है, सहज बुद्धि में बैठ जाए, दिल में उतर जाए। जैसे कोई पशु को, जानवर को अपने घर में आने की आदत डाल दो, तो फिर तंग होकर भगाओ भी, लेकिन उसको आदत तो पड़ जाती है, कितना भी भगाएंगे वो फिर हम घर में आ ही जाएगा। और बाप ने सुनाया था कि कई बच्चे तो माया को चाय पानी भी पिलाते हैं। हाँ, बाबा भी रमणीकता से बता रहे हैं कि कई बच्चे तो माया को बुलाते हैं, माया आती है, फिर बच्चे क्या करते हैं, उसकी खातिर करते हैं, हाँ उसको चाय पानी पिलाते हैं। चाय पानी कौन सा पिलाते हो, कौन सा चाय पानी होगा माया को पिलाने का, पता है ना? हाँ, बाबा ने तो बता दिया है कौन सी चाय और कौन सा पानी पिलाती हो। अभी बाबा बता रहे हैं चाय कौन सी, पानी कौन सा, क्या करूं, कैसे करूं, अभी तो पुरुषार्थी हूँ, अभी तो हम संपूर्ण नहीं बने हैं, आखिर हो ही जाएंगे, कहाँ जाएंगे, हम कर ही लेंगे, ये संकल्प सारे चाय पानी, चाय में पानी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए, कईयों को अदरक चाहिए, कईयों को गरम मसाला अंदर चाहिए। तो बाबा कहते हैं ये वैरायटी संकल्प जो है ना, वो ही आपका चाय पानी है। माया तो वो देखती है कि चाय पानी तो मिलता है, किसी को भी अगर आप चाय पानी पिलाओ तो क्या वो जाएगा कि बैठ जाएगा, चाय पानी पीने बैठेगा ना? तो जब भी कोई परिस्थिति आती है तो क्यों, क्या, कैसे, कभी कभी तो होता है, अभी कौन पास हुआ है, कौन सब पास होने वाला है, सबके पास है, माना जो मेरे पास है वो इनों के पास भी है, तो ये है माया की खातिर करना, ये मेहमान नवाजी करना, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो फिर माया भी आती है, समझती मेरी खातिरी हो रही है, कुछ नमकीन कुछ मीठा भी खिला देते हो, कुछ अच्छी बातें भी बोलते हो, और कुछ फिर अच्छी नहीं है ऐसी नमकीन बातें भी बोलते हो, और फिर क्या करते हो, फिर तंग हो करके कहते हो कि अभी बाबा आप ही भगाओ, हम तो थक गए, माया जाती नहीं है, आने आप देते हो। देखो सुनना ध्यान से, माया को आने आप देते हो, भगाए बाबा क्यों, अलाउ हर टू कम, कितना बालिश प्रश्न है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बात बाबा कहते हैं। बाबा कहते बुलाते आपको, बिठाते हो, खातिरदारी करते हो, चाय पानी पिलाते हो, इतनी आपको वो अच्छी लग जाती है, और फिर भगाने की बात आई, वहाँ कहते हो बाबा भगाओ, तो बाबा कहते हैं आने आप देते हो और भगाए बाबा क्यों, आने क्यों देते हो, माया बार बार क्यों आती है, हर समय हर कर्म करते हैं। अब बाबा समाधान बता रहे हैं कि क्या करो, तो हर समय हर कर्म करते त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट नहीं होते, इसलिए माया बार बार आ जाती है। बाबा says, तो बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी अर्थात पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जानने वाले, तो क्यों क्या नहीं करना पड़ेगा, जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानता है वो क्या और क्यों में नहीं पड़ेगा। त्रिकालदर्शी होने के कारण पहले से ही जान लेंगे कि बातें तो आनी ही है, बातें होनी ही है, चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों के द्वारा, चाहे माया द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, सब प्रकार से परिस्थितियां तो आएंगी और आनी ही है, लेकिन स्वस्थिति
शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं आप अपनी स्वस्थिति मजबूत बनाओ, क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे उसमें मत पड़ो, परिस्थिति बड़ी या स्वस्थिति बड़ी। तो बाबा कहते हैं ये कभी स्थिति आपकी बड़ी हो जाती है या कभी परिस्थिति बड़ी हो जाती है। बाबा कहते दोनों में से बड़ा कौन, स्वस्थिति बड़ी या परिस्थिति बड़ी, या फिर कभी परिस्थिति बड़ी हो जाती है कभी स्वस्थिति बड़ी हो जाती है। तो इसका साधन है कि एक तो आदि मध्य अंत तीनों कालों को चेक कर समझ कर फिर कुछ भी करो। बाबा कहते पहले उसको जानो समझो और फिर कोई भी कर्म करो, माना कर्म करने से पहले अंजाम को सोचो फिर कर्म करो। सिर्फ वर्तमान नहीं देखो, भविष्य भी देखो, भूतकाल का भी अंदेशा देख लो। सिर्फ वर्तमान देखते हो तो कभी परिस्थिति ऊंची हो जाती है और कभी स्वस्थिति ऊंची हो जाती है। सिर्फ वर्तमान देखते हैं इसीलिए कभी स्थिति अच्छी रहती है, कभी परिस्थिति हमारे पर हावी हो जाती है। दुनिया में भी कहते हैं पहले सोचो फिर करो। दुनिया में भी सभी मनुष्य मात्र आत्माएं एक दो को सावधान करती है, तो यही बोल बोलते हैं कि पहले सोचो फिर करो। नहीं तो जो सोच कर नहीं करते तो पीछे सोचना पश्चाताप का रूप हो जाता है। ऐसे नहीं करते ऐसे करते तो पीछे सोचना अर्थात पश्चाताप का रूप और पहले सोचना ये ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। पश्चाताप नहीं करना पड़े और नहीं करे परंतु पश्चाताप के पहले सोच ले और फिर कर्म करे तो बाबा कहते हैं उसको ज्ञानी तो आत्मा कहते हैं। द्वापर कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप करते ही रहते हो ना, लेकिन अब संगम पर ध्यान से सुने, पश्चाताप करना अर्थात वो ज्ञानी तू आत्मा नहीं है। ब्यूटिफुल लाइन दिस इज, ऐसा अपने को बनाओ जो अपने आप में भी मन में एक सेकंड भी पश्चाताप न हो। कर्म ऐसे करो जो एक सेकंड भी आपको पश्चाताप न हो। तो आगे बाप दादा क्या कहते हैं सुने। तो बाप दादा कहते हैं इस डायमंड जुबली में विशेष सारे दिन में एक समय और दूसरा संकल्प, इन दो खजानों पर अटेंशन रखना, अर्थात इस पर ही पुरुषार्थ करना कि हमारा समय नष्ट न हो और हमारे संकल्प व्यर्थ न जाए। वैसे खजाने तो बहुत हैं, लेकिन विशेष इन दो खजानों के ऊपर अटेंशन देना है। हर दिन संकल्प श्रेष्ठ हो, शुभ कितना जमा किया चेकिंग करें अपने, क्योंकि पूरे कल्प के लिए जमा करने की बैंक, ध्यान से सुने, पूरे कल्प के लिए जमा करने की बैंक अभी खुलती है। सतयुग में ये बैंक जमा की बंद हो जाएगी, खुलती संगम पर है, संगम पर ही बंद हो जाएगी, सतयुग में नहीं होगी ये बैंक, फिर कभी नहीं होगी, दूसरी बैंक भी नहीं होगी। वो बैंक तो छोड़ो पर दूसरी भी नहीं होगी। इतना आपके पास धन होगा जो किसी से भी कुछ लेने की आवश्यकता नहीं होगी। बैंक में क्यों रखते हैं? एक तो सेफ्टी और दूसरा ब्याज मिलता है। कई बहुत होशियार होते हैं जो फिर ब्याज से ही चलते रहते हैं, और इस समय तो अगर ऐसे होशियार हैं तो बाबा कहते बहुत अच्छे हैं, तो वो जमा करते हैं ना, लेकिन ब्याज किस तरफ लगा
लगाते हैं वो भी देखना है. तो सतयुग में न ये बैंक होगी न रूहानी खजाना जमा करने की भी कोई बैंक होगी. दोनों बैंक नहीं होगी. इस समय एक का पदम गुणा करके देने की बैंक है, लेकिन एक जमा करेंगे तब पदम मिलेगा. ऐसे नहीं कि अपने आप पदम मिल जाए. बाबा कहते इसका भी हिसाब है. तो डायमंड जुबली में सच्चे डायमंड बनना ये तो पक्का है ना, कि कभी संकल्प आता है कि पता नहीं बन सकेंगे या नहीं. पता नहीं तो नहीं आता. बाबा से बाबा कहते पता नहीं तो फिर आता भी नहीं. क्या भी हो बाबा कहते कुछ भी हो त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े और निर्माण भी बनना पड़े. कुछ भी हो जाए लेकिन बनना जरूर है. इतना बाबा दृढ़ता से निश्चय पक्का कराते हैं कि ये कुछ भी हो जाए लेकिन बनना जरूर है. बनना है बाबा पूछ रहे सबसे. बोलो हाँ जी या ना जी. बाबा सबको बोल रहे हैं. सबने बोला जोर से हाँ जी. फिर बाबा ने कहा देखो देखना हाँ जी कहना तो बहुत सहज है. हाँ जी बनना इसमें अटेंशन देना पड़ेगा. कहना तो सहज हो गया पर बनने में अब अटेंशन देना है. पहला त्याग ये मैं शब्द है. पहला त्याग करने के लिए कौन सी बात है, मैं शब्द को त्याग करो. ये मैं शब्द है बहुत पुराना, लेकिन आजकल ये बहुत रॉयल रूप का हो गया है. ये मैं शब्द समाप्त हो, भाषा में भी क्या आ जावे, मैंने, मैं करती हूँ, मैंने सेवा की, मुझे प्लान आया, मुझे विचार आया. बाबा कहते नहीं, ये मैं नहीं करो. बाबा शब्द मुख में आए. कहने में देखो साधारण बात है, मैं योग्य हूँ ना, तो योग्य हूँ तो सेल्वेशन या सेवा उसी प्रमाण मिलनी चाहिए. फिर ये मैंपन कैसा उल्टा रूप लेता है कि मैं योग्य हूँ ना तो मुझे योग्य को सब सेल्वेशन मिलनी चाहिए और सेवा भी मुझे उसी प्रमाण मिलनी चाहिए. मैं योग्य हूँ, मैं करती हूँ, ये बोलना क्या राइट है. बाबा कहते क्या ऐसे बोलना राइट है, करते तो हो ना, फिर क्यों नहीं कहें करती तो हूँ. फिर बोलने की क्या जरूरत है, मैं रॉन्ग हूँ राइट हूँ कहने में तो आएगा ना कि मैं करती हूँ. राइट और रॉन्ग तो आप जब मैं करती हूँ बोलेंगे तो कहने में तो आएगा कि रॉन्ग बोल कर रही है, बोल रही है, क्योंकि वो तो कर ही नहीं रही है ना. वेदर आई एम राइट, कराने वाला ऊपर से बाबा है. आप नहीं करती हो, करता बाबा है. वो बाप है करावन हार, लेकिन करण हार तो आप हो ना. तो मैं कहना रॉन्ग क्यों हुआ. वैसे जब मैं शब्द भी प्रयोग करते हो तो वास्तव में मैं शब्द किससे लगता है ये भी देखो. आत्मा से या शरीर से. जब हम मैं बोलते हैं तो हम मैं आत्मा समझ के बोलते हैं या शरीर समझ के बोलते हैं. मैं कौन, आत्मा है ना, शरीर तो नहीं है. तो अगर देही अभिमानी बन मैं आत्मा हूँ इस स्मृति से मैं शब्द यूज करते हैं तो राइट है. लेकिन मैं शब्द बॉडी कॉन्शियस के रूप में अगर यूज करते हैं तो रॉन्ग है. सारे दिन में ये मैं शब्द बहुत आता है और आना ही है. तो अभ्यास करो, जब भी मैं शब्द कहो तो अंदर में सोचे भी कि मैं कौन. वास्तव में मैं है ही आत्मा. शरीर को मेरा कहते हैं. तो मैं शब्द अगर आत्माभिमानी बनकर कहेंगे तो आत्मा को बाप स्वतः ही याद है. कहने की भी उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, हूँ ही मैं आत्मा.
बस ये अभ्यास डाल दो। कॉन्शियसनेस जैसे ये उल्टा अभ्यास पड़ गया है तो अब नेचुरल हो गया है, तो जब मैं बोलते हो तो अपना नाम रूप स्मृति में आ जाता है। उल्टा अभ्यास पड़ गया है ना, परंतु मैं कौन हूँ, मैं फलानी हूँ, तो ये नेचुरल हो गया है ना, सोचना नहीं पड़ता है। तो ये जो उल्टे भाव से मैं शब्द यूज करते हो तभी रिजल्ट में मेहनत ज्यादा और प्राप्ति कम होती है, उसका नुकसान बाबा ने बताया। कई बच्चे कहते हैं हम तो बहुत सेवा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन इतनी प्राप्ति नहीं होती है, उसका कारण क्या है? वरदान तो सबको एक जैसा है, 60 साल वालों को भी एक, तो एक मास वाले को भी एक है, खजाने भी सभी को एक जैसे मिल रहे हैं, पालना भी सबकी एक जैसे हो रही है, दिनचर्या मर्यादा सबके लिए एक जैसी है, दूसरी दूसरी तो नहीं है ना? ऐसे तो नहीं कि विदेश की मर्यादाएं और हैं, इंडिया की और हैं, ऐसे तो नहीं है ना? बाबा पूछ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क है। बाबा कहते थोड़ा फर्क है, नहीं है ना? तो जब सब एक हैं, फिर सफलता किसको मिलती है? बाबा कहते फिर सफलता किसको प्राप्त होती है, किसको ज्यादा मिलती है, किसको मिलती है, किसको कम मिलती है? क्यों, कारण क्या? बाप मदद कम देता है क्या? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, क्या बाबा मदद कम करता है कि किसको वो ज्यादा देता हो, किसको कम? क्या ऐसे है? नहीं, फिर क्यों होता है? फिर ऐसा ऊपर नीचे क्यों होता है, मतलब क्या हुआ? तो बाबा कहते हैं अपनी गलती है। कौन सी गलती? या तो बॉडी कॉन्शियस वाला मैपन आ जाता है, या कभी कभी बाबा से जो साथी हैं योर ओन मिस्टेक, उनकी सफलता को देख ईर्ष्या भी आ जाती है। उस ईर्ष्या के कारण जो दिल से सेवा करनी चाहिए वो फिर दिमाग से करते हैं, लेकिन दिल से सेवा नहीं करते, और फल मिलता है दिल से सेवा करने का। नोट किया, फल मिलता है बुद्धि से सेवा करने का नहीं, लेकिन दिल से सेवा करने का। कई बार बच्चे दिमाग यूज करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों मिला के यूज नहीं करते। दिमाग मिला है उसको कार्य में लगाना अच्छा है, लेकिन सिर्फ दिमाग नहीं, जो दिल से करते हैं तो दिल से करने वाले को दिल में बाप की याद भी सदा रहती है। सिर्फ दिमाग से करते हैं तो थोड़ा टाइम दिमाग में याद रहेगी कि हाँ बाबा ही कराने वाला है, हाँ बाबा ही कराने वाला है, लेकिन वो दिल से न करने वालों का कुछ समय के बाद फिर वो ही मैपन आ जाएगा। इसीलिए दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रखो। बाबा कहते सेवा दिल से करो, परंतु दिमाग की और उसकी बीच में बैलेंस रखो। अब आगे बाबा ने बचत का खाता कैसे जमा करें उसके लिए कहा कि श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना और शुभ कामना के संकल्पों को जमा करो। तो सारे दिन में जमा का खाता अपना नोट करो, दिनचर्या बना के। जब जमा का खाता बढ़ता जाएगा तो स्वयं ही डायमंड बन ही जाना है, अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो अभी भी समय और संकल्प ना अच्छे में ना बुरे में होते हैं, तो बुरे में नहीं हुआ ये तो बच गया। समझो कोई कोई का खाता क्या होता है, न बुरा किया संकल्प न हमने अच्छा किया, तो बाबा कहते बुरा नहीं किया ये तो अच्छा गया, अच्छा हुआ बच गए, लेकिन अच्छे में जमा हुआ, जमा भी तो करना है। तो समझा, समय को संकल्प को बचाओ,
जितना भी बचत करेंगे, जमा करेंगे, तो गुयराज सुनो, जितना भी बचत करेंगे, जमा करेंगे, तो सारा कल्प उसी प्रमाण राज्य भी करेंगे और पूज्य भी बनेंगे, उस पर सारा मदार है। चाहे द्वापर से आप साकार रूप में गिरती कला में आते हो, लेकिन आपका जमा किया हुआ खाता आप के जड़ चित्रों की पूजा कराता है। देखो, जमा किया तो उसका कितना हमें बड़ा फल मिलता है, तो सब ये नोट करना तो मालूम पड़ जाएगा कि व्यर्थ व साधारण समय कितना होता है, साधारण संकल्प कितने होते हैं। लेकिन एक अटेंशन और रखना, अगर मानो आपका आज के दिन जमा का खाता बहुत कम हुआ, तो कम देख करके दिल शिकस्त नहीं होना। अब बाबा अपने बच्चों की दिल लेकर उनकी हिम्मत भी बढ़ा रहे हैं, उनका उत्साह उमंग भी बढ़ा रहे हैं, ताकि बच्चे आगे चलकर अगर जमा का खाता जमा न हुआ संकल्पों का, तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कम देख करके दिल शिकस्त नहीं होना, और ही समझो कि अभी भी हमको चांस है जमा करने का। अपने को उमंग उत्साह में लाओ, अपने आप से रेस करो, दूसरों से नहीं, खुद ही खुद को चैलेंज करो। अपने आप से रेस करो कि आज अगर 8 घंटे मेरे जमा हुए तो कल 10 घंटे हो, तो दिल से कष्ट नहीं होना, क्योंकि फिर भी जमा करने का अभी समय है, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, फाइनल रिजल्ट का टाइम अभी अनाउंस नहीं हुआ है। जैसे लौकिक में पेपर की डेट फाइनल हो जाती है, तो अच्छे पुरुषार्थी क्या करते हैं, दिल शिकस्त होते हैं या पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हैं, डेट को पढ़कर क्या करते हैं, डेट पढ़कर के हार के बैठ नहीं जाते, लेकिन और ही उमंग से पुरुषार्थ में लग जाते हैं। तो आप भी दिल शिकस्त नहीं बनना, और ही उमंग उत्साह में आकर के दृढ़ संकल्प करो कि मुझे अपने जमा का खाता बढ़ाना ही है, समझा? अच्छा, दिल शिकस्त तो नहीं होंगे? हाँ, बाबा ने समझाया। ऐसा नहीं फिर बाप को मेहनत करनी पड़े, फिर बड़े बड़े पत्र लिखना शुरू कर देंगे, बाबा ये क्या हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बाबा बचाओ बचाओ, ऐसे नहीं कहना। देखो, आपके जड़ चित्रों से जाकर मांगनी करते हैं कि हमको बचाओ, तो आप बचाने वाले हो, बचाओ बचाओ कहने वाले नहीं हो। देखो बाबा, हम बच्चों को कितना हमारा स्वमान याद दिलाते हुए हमारे असली स्वरूप की, असली गुणों की, शक्तियों की जागृति दिलाते हैं। अच्छा, चारों ओर के जयंती की मुबारक देने वाले बच्चों को, सदा बाप के साथ साथ रहने वाले कंबाइंड रूपधारी बच्चों को, सदा उमंग और उत्साह के द्वार स्वयं को और औरों को आगे बढ़ाने वाले बच्चों को, चारों ओर के सेवा में आगे बढ़ने वाले सच्चे सेवाधारी बच्चों को बाप दादा की पदम पदम गुणा मुबारक हो। याद प्यार के साथ बाप बच्चों को, बाप भी बच्चों की मुबारक और याद प्यार स्वीकार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सभी तरफ मुबारक मुबारक दिल के गीत बज रहे हैं, तो ऐसे मुबारक लेने और मुबारक देने के दोनों के संगम की विशेष याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, अपने प्यारे मीठे बाप दादा को बहुत बहुत शिव जयंती की पदम 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 गुणा मुबारक हो, और मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान
वरदान है आज का स्वयं को बाप के हवाले कर बुद्धि से भी सरेंडर होने वाले डबल लाइट बाबा। हाँ आज बाबा ने इस बात पे जोर दिया कि बुद्धि से ही सिर्फ सेवा नहीं करनी लेकिन दिल से भी सेवा करनी और दिल से सेवा करने वालों के दिल में बाबा की याद हो जाती है। तो स्वयं को बाप के हवाले करें परंतु बुद्धि विशेष सरेंडर करें। तो ऐसे सरेंडर होने वाले बाबा कहते हैं डबल लाइट बाबा। अपनी जिम्मेवारी बाप को देकर हाँ बाबा भी बच्चों को और भी स्पष्ट करके बता रहे हैं कि डबल लाइट कैसे बनो। तो बाबा कहते हैं अपनी जिम्मेवारी बाप को देकर स्वयं को बाप के हवाले कर दो अर्थात अपने सब बोझ जो सिर पर है ना वो बाप को दे दो। बाबा सेज तो डबल लाइट बन जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ तो और कोई भी बात बुद्धि में आएंगी ही नहीं। सरेंडर विथ योर इंटेलेक्ट जब बाबा को दे दी बुद्धि तो फिर व्यर्थ क्या आने का प्रश्न ही नहीं। बस सब कुछ बाप का है। एक ही संकल्प दृढ़ हो जो कुछ भी मेरा है वो सब कुछ तेरा है। सब कुछ बाप का है। सब कुछ बाप में है और कुछ रहा ही नहीं। हमारा सब कुछ बाप में है तो फिर और कुछ तो रहा ही नहीं। जब रहा ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी। जब कुछ मेरा है नहीं सब कुछ बाप है बाप में है तो बुद्धि कहाँ जाएगी। बस फिर बुद्धि भी सीधी चलेगी। बस एक बाप और एक ही याद का रास्ता। इस रास्ते से फिर सहज ही मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अच्छा स्लोगन है आज का अडोलता के तख्त पर विराजमान हो साक्षी दृष्टा बन पाठ बजाने वाले ही श्रेष्ठ पाठधारी हैं। क्यों बाबा ने कहा अडोलता के तख्त पर विराजमान हो क्योंकि परिस्थितियां ऐसी आएंगी कि वो परिस्थितियों में हमारी स्थिति हलचल में आएगी और उसने ऐसा किया उसने ये किया वो किया राइट किया रॉन्ग किया ठीक नहीं किया ठीक करना चाहिए। बाबा कहते हैं तो ये साक्षी दृष्टा की स्टेज तो नहीं हुई परंतु बाबा कहते हैं साक्षी दृष्टा बनकर पार्ट बजाओ। तो ऐसे जो अडोलता के तख्त पर विराजमान हो साक्षी दृष्टा बनकर पार्ट बजाते हैं वही श्रेष्ठ पार्टधारी हैं। अच्छा मीठे मीठे बाप दादा को बहुत बहुत फिर से मुबारक हो और बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति ओम शांति। तू रथी रथ तन यह तेरा आगे मन रूपी घोड़ा पकड़ बुद्धि की लगाम हाथ में संस्कारों वश दौड़ा भूला राही अपने पथ को भूला राही अपने पथ को स्वदर्शन से पाले आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन आत्मदर्शन स्वयं का